जब जवान शहीद हुए पब्लिक शहीद हुई बम्बों से और गोलियों से रस्ते में आते जाते लोग चले गए दोस्त मेरे मन में कई बार विचार आया कि मैं भी उनके साथ चले जाता मैं क्यों बच गया एक मैंने ये पंजाब का खालिस्तान बनाने का जो दौर देखा कि पंजाब को इस देश के साथ तोड़ने की कोशिश हुई और एक चौदह पंद्रह साल का बच्चा हिंदू परिवार से था माँ ने बड़ा कहा ये मुझे गुरु रामदास ने दिया ये मुझे हरिमंदर साहब ने दिया इसका नाम भी रामदास है इसको छोड़ दो नहीं छोड़ा मार दिया बिंडरा वाला हरिमंदर साहब के अंदर घुस चुके थे हरमंदिर साहब को किला बना चुके थे हजारों बेगुनाहों का कत्लेआम करने वाले हरमंदर साहब में घुस जाते थे वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों का पवित्र स्थान चार दरवाजों का स्थान जहां सारे धर्मों के लोग नमस्तक करते हैं दहशत का माहौल पर्चिया निकलती थी शाम को बनाने को मार देंगे तो मार दिया जाता दो तरह के गुरुद्वारे एक तरफ सच्चे नजर आएंगे तन तन गुरु नानक देव जी महाराज भले अमरदास गुण तेरे गुरु गोबिंद सिंह कलगी तहर महाराज साहबजादे जादे गुरु अर्जन देव जी महाराज बाबा दीप सिंह जी महाराज और नीचे गुरु ग्रंथ साहब एक गुरुद्वारे साहब पापियों के दुकानदारी चलाने वालों सिख कौम का अपमान करने वाले सिख समाज के लोग चुप क्यों धर्म के जिम्मेदार लोग चुप क्यों गुरुद्वारों में चुप क्यों क्यों नहीं वहां कहा जाता चाहे हिंदुस्तान हो चाहे बारों, कि हम के है, कौम का अपमान करने वालों के खिलाफ यह गुरु महाराज की मर्यादा के उल्ट चलने वालों के खिलाफ है इन्होंने मजरूमों का कत्ल किया सिख कौम ने मजरूमों की रक्षा की क्यों नहीं बोलते हम भी बुलागार हैं पांच साल में कत्लेआम हुआ छत्तीस हजार उसमें उन्नीस हजार हिंदू भाई पर कभी भी आज तक किसी हिंदू भाई में पूरी दुनिया ने नहीं कहा यार तुमने मेरे भाई मार दिए तो कहना तुम मेरे बड़े भाई में छोटा यार भूल गए सब कुछ अगर ऐसे चलता रहा कश्मीर फाइल बनी जिस दिन पंजाब फाइल बनी तो हम कहा सिर छुपाएंगे इनको नरेंद्र मोदी जी ननकाणा साहब ला के दे देंगे ना इन चंद खालस्तानियों को ये तब ही गलत ही इनकी नेचर बढ़ चुकी है वो जज क्या करते कतलेआम कर दिया आज सिख 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 इतनी इतनी इतना का नाम इज्जत कौम की आज हमें लेके जा रहे हैं ये लोग मेरे जैसे को कितने लोगों को जवाब देना पड़ेगा हम ऐसे नहीं हम ऐसे नहीं ये चंद लोग चंद लोग पूरे देश के कोने कोने में मेरा टूर रहता है मैं सवालों का जवाब देता देता थक जाता हूँ हम सब ऐसे नहीं है ये चंद लोग हमारी सिख कौम को बदनाम करते हैं अगर हर हरिमंदर साहब को किला ना बनाते पवित्र स्थान को अगर फौज आई थी पिंडरा वाला बाहर आ जाता क्या बनी ऑपरेशन होता मेरा आपसे सवाल अगर आप इंदिरा गांधी को ना मारते क्या चौरासी के दंगे होते मेरा सवाल पूछना